हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग हैं नौकुशिया ताल में। हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कयाकिंग, और ये है हमारी बोट कयाक। तो गाइस, कयाक पे बैठना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि बोट जो है दोनों साइड से हिलती है। पैर उस साइड रखना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इधर देख लीजिए आप, कैसा लग रहा है? हम करने वाले कयाकिंग, डर भी लग, बहुत मजा आ रहा है। बहुत पहले तो मुझे डर लग रहा था, बट जैसे ही वो कयाकिंग कराने वाले हैं, उन भैया से बातें की, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी सेफ्टी देंगे, और जैकेट है, और उन्होंने अच्छे से समझाया किस तरह से चलाने। डर लगता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन डर लगता है शुरू में बैठने में, बट मुश्किल नहीं है। मछलियां तो दिख नहीं रही गाइस इसमें पानी में। नैनीताल में बहुत मछलियां थी, लेकिन यहाँ मछलियां नहीं। बहुत मजा आ रहा है गाइस। मैं तो कहूंगा जब भी आप लोग नैनीताल या भीमताल के आसपास आए, नौकुशिया ताल भी आए, क्योंकि यहाँ पे जो बोटिंग भी होती, कयाकिंग भी होती है, और जिप लाइन भी होती है, जो कि अभी हम करने वाले हैं कयाकिंग के बाद, अगर टाइम मिलता है तो। और देखिए, मेहनत मुझसे कराई जा रही है, आराम से बैठ के वीडियो बना रहे हैं मजे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, पीछे से मैं ही लेके आया हूं यहां तक। आपको दिख रहा होगा कौन चला रहा है, ये दिखाने के लिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ। मतलब बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि देखिए गाइस, बादल चारों साइड बादल हो गए हैं, अंधेरा सा भी हो रखा है यहाँ पे। नहीं तो टाइम तो वैसे 4:30 बजे है, नहीं तो धूप निकलनी चाहिए थी, बट यहाँ अंधेरा अंधेरा हो गया है। देखो इधर की साइड देखिए गाइस, कितनी धुंध है, कितने सारे बादल हैं। वैसे तो काफ़ी सेफ्टी है यहाँ, कयाकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में हम लोग डर रहे थे, स्वीटी ने मना कर दिया था पहले कि हम करेंगे नहीं कयाकिंग। मुझे बहुत डर लग रहा था, नहीं ये वाला नहीं करेंगे, और कुछ कर सकते हैं जिसमें वो भैया साथ होते हैं, वो जो चलाने वाले होते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया, और अच्छे से हम कर, बहुत मन था मेरा कयाकिंग करने का, और क्लाइंब करने का मन, और पैराग्लाइडिंग का मन था, वो मैंने कर लिया। कैसा लगा पैराग्लाइडिंग? बहुत मजा आया उसमें। गाइस बारिश आ गई है, और हम यहाँ पे बीच में हैं, बहुत दूर है अभी हमें जाना, वहाँ दिख भी नहीं रहा है, धुंध हो रखी है, और तेज तेज बारिश आने लगी। क्या जल्दी चलो, बारिश आ रही है, चलते हैं अब गाइस जल्दी से वापस। खैर ऐसा सामान तो है नहीं हमारे पास जो भीगने से खराब होता हो, वाटर प्रूफ है सब कुछ। अब निकलते हैं फटाफट से यार। हाँ बोट, मैं तो भूल गया गाइस, कयाक में तो पानी भर ही सकता है। हो गाइस देखिए कितनी तेज बारिश आ रही है, दिख रही होगी आपको बूंदे, पूरा एडवेंचर हो रहा है, मस्त एंजॉय हो रहा है, ये चला रही है, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ फुल आराम से, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। बारिश तेज आ रही है, मोटी मोटी बूंदे आने लगी है, निकलना पड़ेगा फटाफट, बट अभी तो हमारा टाइम काफ़ी बच रखा है, तो हम बात करेंगे। वो बारिश गाइस, बारिश देखिए कितनी तेज हो गई गाइस, बहुत देर हो गई, लेकिन अभी पहुँचे नहीं, कपड़े गीले होने लगे हैं, गीले तो हो जाएंगे वहाँ तक गाइस, बाल गीले हो गए हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बट सच्ची में बारिश तो अभी भी पड़ रही है। पास में तो पहुँच गए हम जहाँ पे बोट खड़ी होती है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बारिश थोड़ी हल्की हो गई अब। गाइस ये देखिए बारिश आने लगी, और मैं गीली हो चुकी हूँ पूरी। हाँ ये देखिए, और हमें झील के बीच में, बीचों बीच, भाई वाह, अभी नहीं जा रहे हम जाएंगे एक घंटे बाद यहाँ से। जिप लाइनिंग कैंसिल, अब यहाँ पे भी जाना कैंसिल स्टैंड। गाइस देखिए गुस्सा आ गया स्वीटी को, पूरी तेज चला रही है। हाँ टक्कर लग, राइट राइट, हाँ घुमाओ घुमाओ घुमाओ, चलाओ गाइस देखो बाल बाल बचे, नहीं यार टकरा गई ना, गलत है। हाँ ये घूम जाएगी जल्दी, बट स्लोली स्लोली,
बैक लो बैक लो बैक लो। मैं कैसे लूं बैक? पीछे को कैसे? अच्छा ऐसे? हाँ, ब्रेक मारो ब्रेक मारो। टकराई? कहाँ टकरा गई? निकल जाएगी यहाँ से। और क्या, नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? मम्मी मम्मी नहीं आने वाली यहाँ। गाइस देखो कहाँ टकरा गए हम। मेरा पैडल फंस गया पीछे। इधर भी हटा दिया, बचा लिया मैंने। चलिए, वाओ कितना मजा आ रहा गाइस, फुल एंजॉय चल रहा है। कंप्लीट होने वाली है हमारी कयाकिंग और अब निकलते हैं बाहर यहाँ से और मिलते हैं आपसे गाइस बाहर निकलकर। हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं जिपलाइन करने के लिए। टिकट हमने ले लिए हैं। यही रह गया था हम लोगों का। हाँ, जिपलाइन और तो, इसके बाद तो कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। अभी बारिश हो रही थी, सारे बाल खराब हो गए, गीले हो गए और खराब हो गए, तो अब निकलते हैं फटाफट से जिपलाइन करते। एक्साइटमेंट? पहले एक्साइटमेंट था, अब जैसे ही पास आ रही हूँ ऐसे डर से लगने लगा। सर आप भी ऊपर आ जाओ। कैसा लग रहा है? मस्त, रेडी हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो गाइज बीच में इस तरीके से रोक कर ये लोग स्विंग कराते हैं और साथ ही में पानी में पैरों को डिप कराते हैं। पानी में नहीं घुस जाना। ये ओहो, ये कैसा लग रहा है? डर? तो गाइस ज़िपलाइन करते करते काफ़ी लेट हो गए हम और अंधेरा होने के कारण वीडियो क्लियर नहीं है।